वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू माय न्यू सेशन आज हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे एक्सेप्शन क्या होता है एक्सेप्शन इज द रन टाइम एरर है ना जावा में आप लोग एरर पढ़े हुए हो एरर क्या होता है प्रोग्राम का एबनॉर्मल कंडीशन होता है है ना एरर तीन तरह का होता है बेसिकली जावा में सिंटैक्स एरर रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर सिंटैक्स एरर किसको बोलते हैं प्रोग्राम के सिंटैक्स में अगर कोई एरर हो तो उसको बोलते हैं सिंटैक्स एरर जो एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन हमको पता चलता है कि ये सिंटैक्स एरर है ठीक है रन टाइम एरर जब प्रोग्राम रन करते हैं मतलब कंपाइल सक्सेसफुली कर जाता है बट रन करने के टाइम पे एरर आता है फॉर एग्जांपल जैसे डिवाइडेड बाय ज़ीरो वाला कंसेप्ट है कि जब हम रन रन टाइम पे वैल्यू यूज़र से लेते हैं कंपाइल करने टाइम कोई एरर नहीं आता है, बट रन टाइम में जब यूज़र का वैल्यू लेते हैं वैल्यू गलत देते हैं मान लो कि अगर ज़ीरो इंसर्ट करते हैं तो वो डिवाइडेड बाई ज़ीरो वाला एरर एरराइज होता है लॉजिकल एरर में क्या होता है कि प्रोग्राम आंसर भी देगा कंपाइल भी करेगा रन भी करेगा रिज़ल्ट भी आएगा बट उसका रिज़ल्ट गलत होगा मतलब प्रोग्राम के लॉजिक में गलत होगा जिसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एरर ठीक है बट जावा में हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब रन टाइम एरर को हैंडल करना एक्सेप्शन को हैंडल करना एक्सेप्शन क्या होता है एक्सेप्शन इज रन टाइम एरर विच अराइज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम द टर्म एक्सेप्शन इन जावा स्टैंड फॉर एन एक्सेप्शनल इवेंट सो एक्सेप्शंस आर नथिंग बट सम एबनॉर्मल एंड टिपिकली एन इवेंट और कंडीशन दैट एराइज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन विच में इंटरप्ट द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम ओके तो जनरली जब भी एक्सेप्शन आएगा तो क्या होगा प्रोग्राम एब टर्मिनेट हो जाता है एक्सेप्शन आया प्रोग्राम का जो नॉर्मल फ़्लो है वो गड़बड़ाया और प्रोग्राम एब टर्मिनेट हुआ तो ये एब टर्मिनेशन से बचाने के लिए उसके नॉर्मल uh, एक्जीक्यूशन को कंटिन्यू कराने के लिए हम जहाँ पे एक्सेप्शन आता है उसको हैंडल करते हैं ओके एंड एक्सेप्शन कैन अकर मे इन डिफरेंट रीज़न इंक्लूडिंग द फॉलोइंग यूज़र हैज़ इंटर्ड इन वैलिड डेटा अभी आपको जैसे हम एक्सप्लन करें हैं अ फाइल दैट नीड्स टू बी ओपन कैन नॉट बी फाउंड हम किसी फाइल को फाइल ओपनिंग का प्रोग्राम कर रहे हैं वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करता हमारे डिस्क पे जिसको हम ओपन कर रहे हैं मतलब फाइल का नाम गलत लिख दिए हैं तो उसमें भी फिर एरर आएगा नेटवर्क uh, हम इंटरनेट uh, पर प्रोग्राम कर रहे हैं ऑनलाइन और नेटवर्क कनेक्शन चले जाता है है ना उसमें भी एरर आएगा नेटवर्क कनेक्शन हैज़ बीन लॉस्ड इन द मिडल ऑफ कम्युनिकेशंस और द जे वी एम हैज़ रन आउट ऑफ मेमोरी, रन आउट ऑफ मेमोरी का मतलब क्या होता है कि एरे का साइज़ हम लिए हैं फाइव और रन टाइम पे दे रहे हैं उससे ज़्यादा ठीक है मतलब जो जितना मेमोरी हम ऑक्यूपाई करे हैं कैप्चर करे हैं उससे ज़्यादा के लिए हम लुप चला रहे हैं या उसके बियॉन्ड हम जा रहे हैं इफ़ द एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट इज़ नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली द इंटरप्टर विल डिस्प्ले द एरर एंड विल टर्मिनेट द प्रोग्राम नाउ If you want to continue the program with the remaining code, then we should write the part of the program which generates the error in the try block and the catch, the errors using the catch block. जैसे कि अभी आपको पता है कि exception को handle करने के लिए हम लोग कुछ keywords का use करते हैं, जहाँ exception आने का chances है, मतलब generally program के logic में आता है, तो वो उस code को आ, लिखेंगे हम लोग try block के अंदर। और जब वो एक्सेप्शन आता है तो वहाँ से तुरंत उसका कंट्रोल पास होगा कैच ब्लॉक में एक ट्राई ब्लॉक का मल्टीपल कैच ब्लॉक हो सकता है मतलब एक पार्ट में अलग अलग टाइप का एरर आ सकता है वो लॉजिकल एरर भी हो सकता है डिवाइडेड बाई ज़ीरो का एरर भी हो सकता है आउट ऑफ मेमोरी भी एरर हो सकता है अर्थमेटिकल uh, एरर भी हो सकता है मतलब अलग अलग टाइप का एरर हो सकता है ठीक है तो एक ही ट्राई ब्लॉक का इसीलिए अलग अलग कैच हम एक से ज़्यादा लिख सकते हैं एक्सेप्शन रंस द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम कंट्रोल एंड सेंड टू द रिलेटेड कैच ब्लॉक्स एंड शुड डिस्प्ले एरर मैसेज फॉर टेकिंग प्रॉपर एक्शंस ओके दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सेप्शन हैंडलिंग The purpose of exception handling is to detect and report an exception so that proper action can be taken and prevent the program, which is automatically terminated or stop the execution because of that exception. Okay. तो ये अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे थे कि जो प्रोग्राम का नॉर्मल टर्मिनेशन नहीं हो पाता है नॉर्मली प्रोग्राम क्लोज़ हो जा रहा है ये एब क्लोज होने से बचाने के लिए हमारा बहुत डेटा लॉस होता है इसमें है ना तो इसको बचाने के लिए क्या करते हैं प्रोग्राम को नॉर्मल टर्मिनेट कराने के लिए वो उस एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं जावा एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए पाँच की का यूज़ करते हैं ट्राई कीवर्ड कैच कीवर्ड थ्रो की वर्ड थ्रोज एंड फाइनली अभी आप लोगों को बताएं कि जहाँ पे एरर आने का चांसेस है उस कोड को हम लोग लिखेंगे ट्राई ब्लॉक के अंदर में है ना पीसेस ऑफ कोड ऑफ योर प्रोग्राम दैट यू वॉन्ट टू मॉनीटर फॉर एक्सेप्शन्स आर कंटिन्यूड विद इन अ ट्राई ब्लॉक इफ एन एक्सेप्शन अकर विद इन द ट्राई ब्लॉक इट इज थ्रोन अब ये थ्रोन कहाँ होगा थ्रोन टू कैच ब्लॉक होगा ओके तो आइए बताएं कि जैसे कि एक ट्राई का मल्टीपल कैच हो सकता है ठीक जिस टाइप का एरर है वो उस पर डिपेंड करेगा और अगर हमको नहीं आइडिया लग पा रहा है कि किस टाइप का एरर आ सकता है तो एरर का जो सुपर क्लास है हम उसका हम उसको कैच करवा लेंगे ठीक है तो कैच ब्लॉक कैन कैच दिस एक्सेप्शन एंड हैंडल इट सम लॉजिकल मैनर थ्रो से क्या होता है थ्रो से हम अपना खुद का एरर मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं थ्रो थ्रोज की वर्ड इससे पहले आप लोग यूज़ करे हुए हो कि थ्रोज़ की वर्ड में क्या होता था कि सिस्टम जनरेटेड एरर डिस्प्ले होता था है ना जैसे मेन में भी आप लोग यूज़ कर रहे हो पहले कि थ्रोज़ आयो एक्सेप्शन है ना तो किसी भी मेथड में ये लगाते हैं तो उस मेथड में अगर उस टाइप का एक्सेप्शन आता है तो वो थ्रो कर देता है मॉनिटर पे ठीक है थ्रोज में और थ्रो में क्या होता है कि हम खुद का अपना एरर मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं सिस्टम जनरेटेड एक्सेप्शन आर ऑटोमेटिकली थ्रोन बाई द जावर अन्टा इन सिस्टम यूजिंग द थ्रोज की वर्ड बट इन थ्रो स्टेटमेंट नाउ वॉन्ट टू मैनुअली थ्रो एन एक्सेप्शन वी हैव टू यूज द थ्रो की वर्ड ओके एंड इन थ्रोज इफ अ मेथड इज कैपेबल ऑफ causing an exception that is uh, that it doesn't handle it must specify this behavior so the caller of the method can guard themselves against that exception so we use throws keyword you do this by including uh, throws clause in the method's declaration basically it is used for uh, io exception just i explained you लिस्ट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन दट अ मेथड माइट थ्रो दिस इज नेसेसरी फॉर ऑल एक्सेप्शन एक्सेप्ट ऑफ ऑफ टाइप एक्सेप्शन और एनी अदर सब क्लास ओके एंड फाइनली की वर्ड का यूज हम लोग uh, करते हैं कि जब लगता है कि मेथड के क्लोज होने से पहले कोई ऐसा कोड रन कराना है तो उसको हम फाइनली में लिखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेथड क्लोज होने से पहले हमारा जो भी फाइल हम ओपन करें हैं वो क्लोज होना चाहिए जो भी कनेक्शन हम इस्टेब्लिश करें हैं वो कनेक्शन सारा डिसकनेक्ट होना चाहिए तो वो सारे चीज़ को हम कहाँ लिखेंगे फाइनली ब्लॉक में फॉर एग्ज़ाम्पल है ना ये ट्राई ब्लॉक है ट्राई ब्लॉक के अंदर में जो आपको कोड लिखना है मॉनिटर करने के लिए जहाँ पे एरर आने का चांसेस है वो लिखिए एक ट्राई का नंबर्स ऑफ कैच हो सकता है अलग अलग एक्सेप्शन आप डाल सकते हो जैसा कि यहाँ पे हम हैंडल करके दिखाए हैं एंड ये फाइनली लास्ट में मेथड के क्लोज होने से पहले एक्सेप्शन क्लास का जो सुपर क्लास होता है उसको बोलते थ्रोएबल क्लास थ्रोएबल क्लास का दो सब क्लास होता है एरर क्लास एक्सेप्शन क्लास एंड एक्सेप्शन क्लास को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं आईओ एक्सेप्शन एंड रन टाइम और ये सारे जावा डॉट लैंग पैकेज में होगा ठीक है द एक्सेप्शन क्लासेज अब क्लास ऑफ थ्रोएबल क्लास अदर देन द एक्सेप्शन क्लास देर इज अनदर सब क्लास कॉल्ड एरर विच इज डेराइव फ्राम द्रोएबल क्लास ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कभी कभी क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर सब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि स्ट्रक्चर बनाइए हेरर की बनाइए एरर का एरर क्लास का या एक्सेप्शन क्लास का ठीक है अब एरर्स में आते हैं These are not normally trapped from the Java programs. These uh, errors are typically ignored in your uh, code because you can rarely do anything about an error. These conditions normally happen in case of several failures which are not handled by the Java program. Errors are generated to indicate errors generated by the runtime environment. For example, जैसे जे वी एम इज़ आउट ऑफ मेमरी है नॉर्मली प्रोग्राम कैन नॉट रिकवर फ्रॉम एरर। ये हमको कंपाइल टाइम पे पता चल जाता है बट हम इसको इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं जिसको अभी रन टाइम पर हम हैंडल कर रहे हैं एंड स्टैक ओवरफ्लो अकर होता है तो वो भी कंपाइलेशन के टाइम पता चलता है बट जिसको हम इग्नोर करते हैं इफ़ अस्टैक ओवरफ्लो अकर्स देन एंड एबर विल एराइज दे आर ऑल्सो इग्नोर एट द टाइम ऑफ कम्पाइलेशन तो एक्सेप्शन क्लास को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है एक कैच एक्सेप्शन होता है एक अन कैच um, को हम लोग चेक्ड भी बोलते हैं चेक्ड एक्सेप्शन अनचेक्ड एक्सेप्शन वैसा एक्सेप्शन जो कंपाइलेशन के टाइम पे डिटेक्ट हो जाता है बट हम उसको एवॉइड करते हैं उसको बोलते हैं चेकड एक्सेप्शन और वैसा एक्सेप्शन जो हम कंपाइलेशन uh, के टाइम पे भी डिटेक्ट नहीं होता है डायरेक्ट रन टाइम पे हमको अराइज होता है तो उसको बोलते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन ओके the check, uh, exceptions that must be included in a method's throws list uh, if that method can generate one of the ex exceptions and doesn't handle it itself these are called checked exceptions for example if a file is to be opened but the file cannot be found an exception occurs. okay this exception cannot simply be ignored at the time of compil compilation Uh, अभी जावा का जैसे बोले कि एक्सेप्शन भी जावा डॉट लैंग पैकेज में रहता है तो जावा का चेकड एक्सेप्शन भी जावा डॉट लैंग पैकेज में होगा ठीक है सम कॉमनली जो हम एक्सेप्शन यूज़ करते हैं जावा में वो क्या क्या है क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन अगर कोई क्लास हमको uh, वैसे क्लास को कॉल करा रहे हैं प्री डिफाइंड क्लास जो अवेलेबल नहीं है जैसे नाम लिखने में गलत हो जाता है तो वहाँ पे जो एक्सेप्शन एक्सेप्शनराइज होगा वो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन है ठीक है मोस्ट कॉमनली हम लोग जो यूज करते हैं वो ये एक्सेप्शन का सुपर क्लास यूज कर लेते हैं ठीक है उसी तरह से इलीगल एक्सेस एक्सेप्शन इंस्टेंसेशन एक्सेप्शन एक्सेप्शन क्लास फिर क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन इंटरप्ट हैंडल कर इंटरप्टेड एक्सेप्शन नो सच फाइल एक्सेप्शन अब रन टाइम एक्सेप्शन में अगर हम लोग आते हैं रन टाइम एक्सेप्शन जिसको हम लोग अनचेक्ड एक्सेप्शन बोलते हैं तो एक्सेप्शन नीड नॉट बी इंक्लूडेड इन एनी मेथड थ्रोज दीज आर कॉल्ड अनचेक्ड एक्सेप्शन बिकॉज द कंपाइलर डजेंट चेक टू सी इफ अ मेथड हैंडल्ड और थ्रूज दिज एक्सेप्शन एज अपोज टू चेक एक्सेप्शन रन टाइम एक्सेप्शन आर इग्नोर्ड एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन जैसा अभी एक्सप्लेन करें आपको कि रन टाइम एक्सेप्शन जो रहता है वो कंपाइलेशन के टाइम पे इग्नोर किया जाता है और इसी को बोलते हैं हम लोग अनचेक्ड एक्सेप्शन अब इसमें अनचेक्ड एक्सेप्शन में क्या क्या आ जाता है अर्थमेटिक एक्सेप्शन जो अर्थ जैसे डिवाइडेड बाई जीरो वाला फॉर एग्जाम्पल है अर्थमेटिकल एरर अगर एराइज होता है तो एरे का इंडेक्स कुछ है इंडेक्स के बियॉन्ड हम काम कर रहे हैं वैसा लूप चला रहे हैं और उसमें कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन एरे स्टोर एक्सेप्शन क्लास कास्ट एक्सेप्शन इलीगल मॉनिटर स्टेट एक्सेप्शन ओके जो बहुत कॉमनली यूज करते हैं हम लोग स्टार्टिंग का दो तीन था और दूसरा नल पॉइंटर एक्सेप्शन है कि इनवैलिड यूज ऑफ ऐसा रेफरेंस दे रहे जो रेफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता है तो इनवैलिड उस टाइम में आएगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन है ना जब हम पॉइंटर डायरेक्टली तो हम नहीं यूज करते बट इनडायरेक्टली यूज करते हैं किसके थ्रू रेफरेंस के थ्रू ठीक है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन नेगेटिव एरे साइज एरे क्रिएट कर रहे हैं साइज नेगेटिव दिए हैं तो उस टाइम पे क्या आ जाएगा नेगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन ओके ओके okay. कोई डाउट हो आप लोगों को तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लो